गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए अभी सुबह का 6:30 हो रहा है। मेरा हस्बैंड काम पे जा रहा है। देखिए पूरा बारिश, मतलब पूरा आसमान पूरा जैसा लग रहा है अभी शाम होने को आया है। नीचे गच्ची में पेड़ पे कितना अच्छा फूल फूटा है, बहुत अच्छा लगता है। वो उठा रहा है, वो इस बिल्डिंग का मालिक है, वही उठा रहा है। बारिश का वजह से पूरा पानी पानी होके रखा है। मेरा बेटा भी सुबह सुबह ही उठ गया। बाहर का मौसम बहुत खराब है। चलिए मुझे तो अभी काम करना है। भाई तो अभी आएगा, मुझे खाना बनाना है। ब्लॉग पे बने रहिएगा। बनाना है चावल। मैं चावल रात में ही भिगो के रख दिया था, अब मैं चावल चढ़ा दूंगी। ये रहा सब बर्तन वगैरह क्लीन करके रखा है, देखिए पूरा क्लीन है। मैं रात में ही ज़्यादातर जूठा बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ। वहाँ जो खेती है बहुत अच्छा लगता है सामने से जाके देखने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो ना गेहूँ का खेती है, गेहूँ का। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक टी और मुरमुरा और भुजिया, ये मेरा बेटा खाएगा। मैं ओनली ब्लैक टी पीऊँगी। ये खाने के बाद अब काम ख़त्म करूँगी। कपड़ा वॉश करना है, कपड़ा वॉश करूँगी, जो जो काम है करूँगी। ब्लॉग पे बने रहिए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बैंगलोर मिनी ब्लॉग को। दोस्तों मैं कपड़ा भिगो रही हूँ, मेरा भाई का, मेरा हस्बैंड का और मेरा बेटा का। जल्दी जल्दी वॉश कर दूंगी तो धूप भी इतना नहीं होते, सूख जाएगा। मौसम भी इतना अच्छा नहीं है ना, इसलिए जल्दी धो लूंगी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा धूप निकला है। वो साइड में जो कपड़ा है वो सब मैं डाली हूँ, कपड़ा वो साइड का जितना है, ये सब दूसरे का है। अभी बोला आप लोगों को धूप निकला, अभी देखिए फिर बादल कैसे ढल गए। अब कपड़ा धुलाना तो हो गया, अब खाना बनाना है। चलिए खाना बनाती हूँ। दोस्तों इधर अंडा कड़ी बन रहा है, अंडा और आलू को अभी मसाले के साथ भुना जा रहा है। ये रहा दोस्तों गाजर, लौकी के छिलके और आलू का भुजिया, सब मिला के मिक्स करके मैंने भुजिया बनाया है। मैं किसी भी चीज़ को नहीं फेंकती हूँ, हर चीज़ का मैं बचत करती हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है, हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए मैं लौकी के छिलके और आलू गाजर सब मिला के उसका भुजिया बनाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। आप लोग भी एक बार बना के देखिएगा। अंडा कड़ी को मैंने ढक के रख दिया है, अभी मैं इसके लिए धनिया पत्ता क्लीन करके इसमें धनिया पत्ता दूंगी। मैं इसमें डालूंगी अब धनिया का पत्ता, हरा धनिया। बाहर तो कभी धूप आ रहा है, कभी मौसम खराब कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। कल भी मेरा कपड़ा पूरा भीग गया था, मैं इधर उधर मेल के रखी, आज पता नहीं क्या होगा। मौसम का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मामा सारा आ रहा था, हो गया था सब्जी, चावल में भाजी बनाऊंगी। मेरा बेटा बोल रहा है वो
छाता कौन आया? कल मेरा भाई शाम को छाता लेके गया था, तो वही वो पूछ रहा है कौन लेके गया है। मैं ये सब बंद करने वाली हूँ। चावल मैं बाद में बनाऊँगी, अभी चावल तो अभी खाऊँगी नहीं, जब बनाऊँगी गरम गरम खाऊँगी, जब सॉरी बोलने में थोड़ा गलती हो गई, जब खाऊँगी तब गरम गरम बना लूँगी। अभी ये किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सब्जी को पहले पतीला में ढाल के फिर सब धुला वुला के सब क्लीन करके इसके बाद में मैं नहाने चली जाऊंगी। ठीक है, टाटा। हेलो दोस्तों, मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है। नहा हुआ के कपड़े वगैरह जितना था सब वॉश, मतलब नहाने के बाद जो कपड़ा था सब वॉश वगैरह करके मैं सब छत के ऊपर में मिल के आई हूँ, और काम भी पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका। ये देखिए पूरा बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गया, जिसमें कढ़ाई में खाना वगैरह बनाया था सभी चीज़ क्लीनिंग हो गया है, सब मैंने क्लीन कर दिया है। ये सब भी पूरा खाना बनाने के बाद पूरा किचन वगैरह भी सब सफाई वफाई हो गया है। मेरा बेटा का भी नहाना हो गया है, नहाना उसको भी पूरा नहा धोवाना उसका भी हो गया है, सब काम कंप्लीट, घर और सब साफ हो गया है। वो बैठ बैठ के कार्टून देख रहा था, अब उसको सुलाना है मेरा बेटा को, खाना उसे खिला दिया है तो अभी उसको सुलाऊंगी। उसको सुलाने के बाद में मैं कुछ काम तो नहीं है, थोड़ा मूवी देखूंगी। ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। अब तक के लिए टाटा। मेरा बेटा भी टाटा करेगा। प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड इवनिंग गाइस, देखिए शाम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। शाम होने को आया है, ऐसे ही थोड़ा गई थी बाबू को लेके छत के ऊपर, रूम में रह रह के बोरिंग हो चुकी थी, इसीलिए बने रहिए ब्लॉग पे। बाबू उठ के छातू खाया नींद से उठने के बाद, पानी भी नहीं था और अभी आ रहा है पानी, इतना टाइम से पानी भी नहीं था। चलो हाथ पाँव धोबा, बाबू को बोली चलो हाथ पाँव धो। मेरा बेटा से बोली मैं अभी पढ़ाई करना है, तो वो रोने लगा है। मैं बोली हाथ पैर धुला लो, तो उसे हाथ पैर धुला दिया। अभी बोली पढ़ाई करना है तो रोने लग रहा है, जब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि वो पढ़ते समय मार खाता है, इसलिए बोल रहा है अभी पढ़ाई नहीं करूँगा। पढ़ते समय वो मार खाता है, इसलिए बोल रहा है अभी मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी अपने बेटा को पढ़ाने बिठाऊँगी। चलिए E for elephant. Fish. Fish. Horse. Ice cream. Duck. K for kite. L for lion. M for mango. ठीक है दोस्तों, मेरा बेटा पढ़ रहा है और मैं चावल बिठा के आई हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं दिन को मैंने भी खाना नहीं खाया है। मैं 11 बजे खाना खाई थी, उसके बाद मैं भी नहीं खाई हूँ, इसलिए चावल चढ़ा दिया है। चावल होगा तो हम दोनों खा लेंगे। ब्लॉग पर बने रहिए, हम दोनों खा लेंगे। ब्लॉग पर बने रहिए, फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। मेरा हस्बैंड अभी भी नहीं आया है, वो 7:30 को आएंगे, तो उनको चाय बना के दूंगी। ब्लॉग पर बने रहिए दोस्तों। चावल, ये जो भुजिया बनाया था, गाजर आलू और लौकी के छिलके का, ये रहा हरी मिर्च, धनिया के पत्ते और नमक, ये रहा एक अंडा का करी। गुड नाइट फ्रेंड्स, अभी लंच करें सॉरी डिनर करेंगे, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आज के लिए टाटा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आज के लिए टाटा, ये रहा मेरा बेटा। मैंने टाटा बोले टाटा।